गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सेफ एट होम? लेकिन बच्चों, अपनी स्टडी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर आप हर बार मतलब रेगुलर वीडियो सुनोगे और उसमें से मेन पॉइंट लिखोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप सोचो कि बहुत टाइम अभी है, वी विल डू, तो ऐसा है बेटा, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप क्रैमिंग तो कर लोगे। तो चलो, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो बेटा, आज सबसे पहले तो ये वीडियो पॉज करो, आप पेन पेंसिल और अपनी नोटबुक लेके बैठो। चाहे आप पेन ले लो, पेंसिल, नोटबुक, ठीक है, ये चीज़ लेके बैठो। इसके अलावा बेटा, अपनी एनसीईआरटी की बुक भी लेके बैठो, क्योंकि आज आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो नोट करनी है, वो आपके इंटरनल वर्क या आपके वन वर्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, इन सब में हेल्प करोगे। तो बेटा, सबसे पहले वीडियो पॉज करके सब सामान ले आओ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। और आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने अपनी जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, कभी उसके नीचे वायर देखी है? मतलब शाइनी ब्राउन कलर की वायर होती है, दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर। तो कॉपर की वायर्स बनी होती हैं, क्यों? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये पॉइंट नोट करो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन वन मार्क्स का आ जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक देखो, पेज नंबर 45, इसमें एक एक्टिविटी दी है। इसमें क्या है, जस्ट दे हैव टेकन अ सेल, बल्ब, वायर, और उसके साथ वायर जो है, उन्होंने वायर के दोनों एंड पे एक आयरन नेल अटैच की है, जो आयरन नेल, इसके बाद उन्होंने करंट पास किया। तो अगर कोई और चीज़ होती, जैसे हम वुड रख देते या कोई आपका स्टोन रख देते, तो वो नहीं ग्लो करता। लेकिन जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्यों? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो वुड है, स्टोन है, दे आर बैड कंडक्टर, तो इसलिए बल्ब आपका नहीं जलेगा। तो ध्यान रखो, मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अलावा एक चीज़ और नोट करो बेटा, इम्पोर्टेंट है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। आपने देखा है ग्रेफाइट, जो आपकी लेड पेंसिल होती है, तो लेड पेंसिल में अगर आप शार्प करते हो उसे, तो एक ब्लैक कलर का कॉइन निकलता है, जिससे आप डायग्राम बनाते हो या पेंसिल लिखते हो, तो ब्लैक कलर का उसमें इफेक्ट होता है। तो क्या होता है, ग्रेफाइट ऑल्दो इट इज़ नॉन मेटल, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, कई बार आपके पास वायर हैं, सब मतलब आपका पूरा सर्किट है, सेल हैं, बल्ब हैं, लेकिन आपकी वायर जो है छोटी पड़ रही हैं, और इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप न्यू वायर लेके आओ, तो क्या करते हो, वायर के दोनों जो एंड हैं आप पील ऑफ कर दो, कॉपर वायर निकल आएगी, उसके साथ पेंसिल दोनों तरफ से शार्प करो, तो उसमें ग्रेफाइट निकल आएगा। तो ग्रेफाइट के उससे उसको मतलब ज्वाइन कर दो, तो करंट आपका पास हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, ओनली ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो बेटा, अब आपकी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें टेबल 4.3, इसमें एक टेबल दी हुई है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले आयरन रोड या नेल, तो आयरन, आयरन इज ए मेटल, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लिखोगे गुड कंडक्टर। इसके बाद सल्फर, सल्फर इज़ नॉन मेटल, तो इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती। इसके बाद है कोल पीस, कोल पीस भी क्या है, ये कोल पीस, कोल इज़ आल्सो नॉन मेटल, तो इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड और पुअर एक ही बात है। कॉपर वायर, कॉपर वायर इट इज़ अ, कॉपर वायर तो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक वो जो आपकी वो होती हैं, उसमें मेनली इलेक्ट्रिक वायर जो है कॉपर की ही बनी होती हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद है बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स उनमें थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अपने घर में यूटेंसिल देखे हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, मेनली
एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, और आजकल तो इस तरह की भी बर्तन है कि ऊपर से स्टील होते हैं लेकिन नीचे थोड़ा सा उन पर कॉपर की कोटिंग होती है, होते हैं ना बेटा, उन बर्तनों को हम मेनली बोलते हैं कुक एंड सर्व। बड़े अच्छे डिज़ाइनिंग होते हैं और डिज़ाइनर बर्तन होते हैं, उनमें क्या होता है नीचे कॉपर होता है और ऊपर आपका स्टील, उन्हीं में आप कुक करो और उन्हीं में आपको सर्व कर दो, तो कुक एंड सर्व वाले होते हैं वो। तो उसमें अब हम कहेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी बेटा ये डायग्राम देखो, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, स्टैंड, बर्नर, बर्नर हीट कर रहा है मेटल वायर को, ठीक है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे एक पिन लगी हुई है, अब जैसे ही हम इसको जो हीट करेंगे तो कुछ टाइम बाद ये पिन गर्म हो जाएगी। अब हीट तो मिडल से कर रहे हैं, ये पिन कैसे गर्म हुई, और अगर हम इसके साथ थोड़ा सा वैक्स लगा दें तो कुछ टाइम बाद वैक्स मेल्ट हो जाएगा और पिन जो है आपकी नीचे गिर जाएगी, होगा ना ऐसे, क्यों, क्योंकि देखो ये जो मेटल की पूरी रोड है, अब हमने इसको मिडल से गर्म किया तो इसमें इलेक्ट्रो, ये जो आपकी हीट है वो पास हुई, हीट पास होने की वजह से ये गर्म हुई, और गर्म होने की वजह से वैक्स है इट विल मेल्ट, और मेल्ट होने की वजह से जो हमारी पिन है वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन हमारी मेटल रोड पास वो नहीं होगी मेल्ट, जो हमारी मेटल की वायर है, जो मेटल की रोड है वो हमारी मेल्ट नहीं होगी। क्यों मेल्ट नहीं होगी, बिकॉज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो जल्दी मेल्ट हो जाती, और वैक्स है, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट लो है, बहुत जल्दी मेल्ट हो गया और इस वजह से पिन हमारी नीचे गिर गई। तो मेटल्स, एक तो ये दो बातें हो गई इनमें, एक तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इन द सेम मैनर मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली लो होता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाती हैं इन कंपेरिजन टू मेटल, ठीक है। तो ये आपको एक्टिविटी समझ आई है, ये एक्टिविटी तो बेटा आसान नहीं कर पाओगे क्योंकि मेटल रोड बड़ी कहाँ से लाओगे। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट। मेटल्स के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं करवाई हैं, जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सिर्फ और सिर्फ मरकरी इज़ द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अब ये अभी बताऊँगी, इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स वो सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन इज द नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। अब देखो दो क्वेश्चन देंगे, नेम अ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि बाकी सब तो सॉलिड्स है, सिर्फ एक ही मेटल है एंड दैट इज मरकरी। अब इसके बाद नेम अ नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। तो बेटा इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, कई बार जैसे मेटल्स में ब्रोमीन लिख देते हैं, ब्रोमीन की स्पेलिंग है BROMINE। ये बेटा पॉइंट आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नेम अ लिक्विड मेटल, नेम अ लिक्विड नॉन मेटल। इसके बाद मेटल्स आर हार्ड, ये भी लास्ट टाइम बता दिया था कि मेटल जो है नॉर्मली हार्ड होती हैं। सिर्फ और सिर्फ सोडियम एंड पोटाशियम, दे आर सॉफ्ट, दे कैन कट इवन विद अ नाइफ, मतलब इतनी सॉफ्ट होती है कि हम इनको कफ नाइफ से कट भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम सभी मेटल्स की बात करें तो दे आर हार्ड। इसके बाद नॉन मेटल्स जो जो सॉलिड होती हैं, ब्रिटल, ब्रिटल होती हैं कि उनको जरा सा हम हैमर से हिट करें वो एकदम से टूट जाती हैं या पाउडर की फॉर्म में आ जाती हैं। लेकिन डायमंड, नो डाउट डायमंड इज़ अ नॉन मेटल, लेकिन इट इज़ हार्ड, ये इतनी जल्दी नहीं टूटता। इनफैक्ट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट, ठीक है। मेटल हैव मेटेलिक लस्टर, ये भी मैंने बताया था कि मेटल में शाइन, मतलब मेटल जो है शाइनी होती हैं, तो शाइनी होने की वजह से हम इनको कहते हैं मेटेलिक लस्टर। और नॉन मेटल्स दे डोंट हैव लस्टर, दे हैव डल, लेकिन इसमें भी एक बात करो, ओनली आयोडीन, क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, आयोडीन इज अ नॉन मेटल, जो आयोडीन के क्रिस्टल हैं दे आर शाइनी, दे हैव लस्टर, मतलब आयोडीन में लस्टर होती है, बाकी किसी भी नॉन मेटल में लस्टर नहीं होती। और अभी अभी मैंने आपको समझाया
मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल बहुत जल्दी से बॉयल भी नहीं होती और मेटल बहुत जल्दी मेल्ट भी नहीं होती. ये मैंने अभी एक्टिविटी में आपको बताया कि वैक्स मेल्ट हो गया, पिन नीचे गिर गई, लेकिन जो मेटल की रोड थी वो मेल्ट नहीं हुई बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. और अगर हम कंपैरिजन करें तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स आर मेलेबल. ये मैंने लास्ट टाइम आपको ये शीट भी दिखाई थी कि एल्यूमिनियम फॉयल जैसे होती है कितनी थिन होती है. नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल. कभी सुनिए सल्फर शीट या कार्बन शीट या कि आयोडीन शीट, हमेशा कौन सी सुनते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल है जैसे, या आयरन की शीट है, एल्यूमिनियम की शीट है. ये मैंने आपको लास्ट टाइम पूरा एक्सप्लेन कर दिया था. तो मेटल्स आर मेलेबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल. मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर. और मैंने आपको ये भी बताया था गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. और नॉन मेटल उनमें तो डक्टिलिटी होती ही नहीं, किसी भी नॉन मेटल्स की हम वायर नहीं बना सकते. और अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉन मेटल है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट है विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, लेकिन जो नॉन मेटल है दे आर नॉट सोनोरस मीन्स उनमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती. तो बेटा अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन हो गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. अभी हमने आपके सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं डिस्कस कर ली हैं, अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हाँ स्टूडेंट्स, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स फिजिकल. अब देखो फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने सेवन्थ में पढ़ा था. फिजिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. तो अभी तक जो मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी करवाई है उसमें यही था कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, तो इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना था. अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स मेटल जब ऑक्सीजन से या एयर से, वाटर से, एसिड से या किसी भी चीज़ से रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, और नॉन मेटल जब रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है. तो सबसे पहले हम लेंगे मेटल्स. मेटल में देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एम फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड. नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एम फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड. अब कहोगे आप कि मैं मेटल जो है मेटालिक ऑक्साइड बना रही हैं और जो नॉन मेटल है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना रही हैं, तो उसमें फ़र्क क्या हुआ. फ़र्क है देखो, द ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, और जो आपके ऑक्साइड्स हैं फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स दे आर एसिडिक इन नेचर. अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे मान ले तो साइंस है, हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं. तो हम क्या करेंगे, आप चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं. मैग्नीशियम का मेनली रिबन आता है, ये आपको मैंने सेवन्थ में भी रिएक्शन करवाया था कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो वाइट कलर की ऐश प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम वाटर मिक्स करेंगे, और वाटर मिक्स करने देख रहे हो ना आप रिएक्शन, 2Mg+O2 इट विल फॉर्म 2Mg यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड. और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम क्या ऐड करेंगे, वाटर, तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स MgOH2. अब हम ये एसिड और बेस का रिएक्शन कैसे करते थे, ध्यान है आपको लिटमस पेपर से, जब हम रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो मीन्स इट इज़ बेस, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो मीन्स इट इज़ एसिडिक. अब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, इसमें पहले हम डालेंगे ब्लू लिटमस, कुछ भी असर नहीं होगा, क्यों होगा ही नहीं. अब इसमें हम डालेंगे रेड लिटमस तो इट विल टर्न ब्लू, इट मीन्स द ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, अब इसी तरह जो नॉन मेटल, इसमें आपको दिख रहे हैं ना रिएक्शन, सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, उसको फिर हम वो कर रहे हैं वाटर से में वो कर रहे हैं, तो ये बना रहा है H2SO3. तो इसमें भी हम पहले डालेंगे रेड लिटमस पेपर, कुछ नहीं होगा, फिर हम डालेंगे ब्लू,
ब्लू से इसे रिएक्ट करके ये रेड हो जाएगा, इट मींस एसिडिक इन नेचर। तो मींस मेटल्स फॉर्म मेटल बेसिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, और जो नॉन मेटल है दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। अब ये भी देखो बेटा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसमें सल्फर का दिखाया, सल्फर इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों जो हैं आप अगर लिटमस टेस्ट करोगे तो दे आर एसिडिक, तो नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अभी एल्यूमिनियम का दिखाया, एल्यूमिनियम पहले बताओ क्या है, एल्यूमिनियम इज ए मेटल, तो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये फोर ओ जो थ्री है ना, इसको बेटा बैलेंस करने के लिए लिखा है, बैलेंसिंग ऑफ, ये मैं आपको जब रिएक्शंस वगैरह मैंने वैसे आपको सेवन्थ में बताया था, तो एल्यूमिनियम आपका बनाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, और जो सोडियम है इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब हम जरा से इसको हीटिंग देंगे तो मैग्नीशियम है इट बर्न विद डेजलिंग वाइट लाइट टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तीनों ऑक्साइड जो मेटल से बने हैं दे आर बेसिक इन नेचर, हम लिटमस टेस्ट से देख सकते हैं कि दे आर बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटल जैसे मैंने सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह बनाए थे ये एसिडिक होते हैं। तो ये बात भी हमेशा याद रखना कि, और एक बात और बेटा कि नॉन मेटल दे आर जनरली ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, और जो मेटल होती हैं दे आर वेरी रिएक्टिव। ये कैसे, ये भी अभी आपको रिएक्शन विद वाटर में बताती हूँ। चलो बेटा, अभी अभी आपने देखा है रिएक्शन विद एयर, समझ आ गया, अब हम करेंगे रिएक्शन विद वाटर। तो आपने कभी देखा है रेनी सीजन में आयरन आर्टिकल्स, उनको रस्टिंग हो जाती है, जैसे आयरन नेल है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके इट विल फॉर्म, मतलब इट विल गोज ऑन रस्टिंग। क्या सिर्फ रस्टिंग में वो होता है? अगर आप देखो तो जो कॉपर है, कॉपर में भी कई बार ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, ख़ास तौर पे मॉइस्चर में, कॉपर में जो ग्रीन कलर की लेयर आती है वो भी एक तरह से रस्टिंग या कोरोजन, आप उसको कोरोजन भी बोल सकते हो, रस्टिंग भी। जब कॉपर वेसल है वो मोस्ट एयर में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है तो इस पर एक डल ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो जो ग्रीन ये मटेरियल होता है इट इज़ मिक्सचर ऑफ, नोट कर लो बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOS ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का ही मिक्सचर होता है, इस वजह से इसमें रस्टिंग आ जाती है। नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपकी NCERT में रिएक्शन दिया हुआ है 2CO प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, तो ये बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। इसके अलावा आयरन, आयरन में भी देखा होगा आपने ब्लू कलर का कुछ कवरिंग आ जाती है, या ब्लू भी नहीं बल्कि रस्ट का अलग ही कलर होता है, ब्राउनिश कलर होता है, और वो थोड़ा सा आप मतलब झड़ भी जाता है वो, तो एक तरह से वो रस्टिंग होती है। तो दो चीज़ें नोट करो रस्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, एक तो ऑक्सीजन और एक वाटर, दोनों में से अगर इसे एक भी चीज़ ना मिले तो इट विल नॉट रस्ट। जैसे आपका आयरन है इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, अगर हम किसी भी वजह से इसको ऑक्सीजन ना मिले तो इसमें रस्टिंग नहीं होगी, और अगर मॉइस्चर ना मिले तब भी इसमें रस्टिंग नहीं होगी। आपकी NCERT में बेटा फिगर 4.3 इसमें दिया हुआ है कि आपके जो आयरन हैं उसको अगर हम पानी में डालें तो एक जो आपका रस्टिंग हो जाती है, तो वो भी एक तरह से आपका क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड। ये आपका लास्ट रिएक्शन देखो, 3Fe प्लस 4H2O इज़क्ल टू Fe2O3 प्लस 4H2, ये Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड, इट इज़ फार्मूला ऑफ रस्ट। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3। इसके अलावा जो मेटल्स है वो मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करती है तो वो बनाती है मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस विल इवोल्व, जैसे 2Na प्लस 2H2O इज़क्ल टू 2NaOH, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी मेटल हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम है, पोटाशियम वाटर के साथ वो करके बना रहा है 2KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,
तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और आयरन मैंने आपको बताया फेरस ऑक्साइड एंटीटीज फार्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, अब आपका नीचे देखो सीरीज है द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर इज डिफरेंट। तो जैसे सोडियम और पोटाशियम है दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम और पोटाशियम को अगर जरा सी एयर या जरा सा मॉइस्चर भी मिल जाए तो दे विल रिएक्ट, और वो रिएक्शन इतना विग्रस होता है इट मे कैचिज फायर। दैट इज़ वाई सोडियम एंड पोटाशियम आर कैप्ट इन केरोसिन। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है वाई सोडियम एंड पोटाशियम आर कैप्ट इन वाटर, सॉरी केरोसिन, केरोसिन में रखते हैं तो इसका ये लिखेंगे क्योंकि बिकॉज सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट वोलेंटली विद वाटर टू फॉर्म साइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एंड इट कैन कॉज फायर। ठीक है, अब जो सो कैल्शियम है वो इतना ज़्यादा वोलेंट नहीं होता, वो वाटर से रिएक्ट करता है लेकिन एक तो फायर नहीं कैच करता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है लेकिन वाटर से नॉर्मली रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तब रिएक्ट करता, मैंने बताया था ना कि सोडियम और पोटेशियम से कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है कब रिएक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ तब जब हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। और जो मेटल्स हैं जैसे आपकी एल्यूमिनियम है आयरन है जिंक है वो सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो अदरवाइज इट विल नॉट रिएक्ट। और जो मेटल है जैसे लेड है कॉपर है सिल्वर है ये वाटर से रिएक्ट नहीं करती। कुछ मेटल्स होती हैं बहुत रिएक्टिव होती हैं जैसे मैंने अभी भी बताया पोटाशियम सोडियम कैल्शियम दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, कॉपर कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव है। ठीक है, और गोल्ड और प्लेटिनम ये तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते ना वाटर से ना एयर से। अब देखो गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम अगर ये वाटर या एयर से रिएक्ट कर जाते तो क्या हम इनके ऑर्नामेंट्स पहन सकते थे, पहनते ना गोल्ड ऑर्नामेंट सिल्वर ऑर्नामेंट्स, लेकिन अगर ये एयर से रिएक्ट करते तो गोल्ड ऑक्साइड बन जाता फेरस ऑक्साइड बन जाता हुँ? तो गोल्ड का जो ऑक्साइड बनता तो हम नहीं पहन सकते थे, वाटर से रिएक्ट करता तो फायर वो, तो ये दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव विद वाटर एंड ऑक्सीजन, ये किसी भी मतलब ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं किसी भी चीज़ से, ऑक्सीजन से वाटर से या कोई एसिड है उससे भी रिएक्ट नहीं करते। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम दे आर आल्सो कॉल्ड एज नोबल मेटल। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आपकी टेबल देखो नेम ऑफ बेस, ये चलो बेटा नेक्स्ट टाइम आपको करवा दूंगी जब ये आपका वो होगा तो आपका नॉर्मली क्लियर हो जाएगा, अभी आज मैंने करवाया रिएक्शन विद एयर रिएक्शन विद वाटर, तो नेक्स्ट टाइम हम लेंगे रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिएक्शन विद बेस, और इसके बाद हम लेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा आज इतना कर लेना तभी आगे समझ आएगा, और बच्चों जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं वो नोट कर लेना। हाँ मैन, और नॉन मेटल, नॉन मेटल जनरली डोंट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल हैं वो रिएक्ट नहीं करती, हाँ लेकिन फास्फोरस वो एयर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, फास्फोरस रिएक्ट विद एयर वोलेंटली, दैट इज़ वाई फास्फोरस इज कैप्ट इन वाटर, फास्फोरस को हम वाटर में रखते हैं क्योंकि वो ये एयर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये सब बातें बेटा नोट कर लो, ये जो क्वेश्चन आज के मैं बताई हैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस बने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, ओके, ये ध्यान से सुनना और क्वेश्चन आंसर आप लिख लेना। ओके बच्चों।